गाइस हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर फाइन। सो गाइस हम तो बाइक के लिए आ रहे हैं, कार फॉर सेल। तो लास्ट टाइम इसकी याद होगा हमने कुछ ओल्ड विंटेज कार परचेज करी थी एंड आज भाई उन्हीं को अपने करने वाले हैं सोल्ड आउट। तो फर्स्ट अपने करते हैं गेम को स्टार्ट एंड देखते हैं कि भाई क्या हालात हो चुके हैं अपनी गाड़ियों के, बिकॉज मैंने तीन चार दिन से गेम खड़ी करी थी भाई। ऐसी हैं बट हाँ थोड़ी बहुत डस्ट आ गई है इनके ऊपर। तो गाड़ियाँ देख लो भाई, ये थी अपनी और ये भाई कुछ अच्छी ऐसी हुई लग रही है। बाकी पहले तो भाई गाड़ियाँ जो है अपना क्लीन करना पड़ेंगी फर्स्टली। चलो अब इसको रख दो और सबसे पहले तो भाई एरिया साफ करना पड़ेगा। ट्रैश कलेक्ट, इसको गेट खोल दो। अभी कोई गाड़ी है नहीं भाई, अभी अपने को सेलिंग पे लगाई हुई, अभी सारी गाड़ी लगाऊंगा भाई एक करके। सबसे पहले तो एसयूवी जो है अपना अंदर डाल देते हैं गाड़ी को भाई। ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी लगी भाई, वाइब्रेशन होती है भाई, क्यों होती है वाइब्रेशन। एक ही रह गई, इसको भी सोल्ड आउट करना है जल्दी से जल्दी भाई। कुछ लग रही है यार आज ये गाड़ी बढ़िया। ये गाड़ी मुझे बढ़िया लगी बिकॉज इसकी आंखें जो हैं वो भाई तो मतलब हेडलाइट जो है ना वो ऊपर को निकल के आती हैं। इसकी हेडलाइट अभी ऑफ कर दो, ऊपर ही रहती हैं इसकी, निकल के नहीं आती, ऊपर ही रहती हैं यार। कोई बात नहीं, बाकी सब इन सब छोड़ो, इन सबको भाई सेलिंग पर डाल दें। कंप्यूटर वेब पेज कार फॉर सेल अपना पेज ओपन हो गया है, जो कि सबसे पहले लॉर्ड एक्सप्लोरर। तो ये वो एसयूवी है जिसको उन्होंने $36,000 का परचेज करा है, अगर 37 मान लो तो अपने इसको ना अराउंड 50K डाल देते हैं। 50K ठीक है, ठीक है 50K ऐसे ही बोल सकते हैं भाई 50K। एंड ये शायद अपनी जो विंटेज कार है भाई ये तो बहुत सस्ती जाएगी यार, $10,000 डाल देता हूँ फिर भी, 10,000 में। और ये अपना सेकंड परचेज, वो तो RC में परचेज करी थी, मिनिमम इसका प्राइस 25 के आसपास था, इसको भी 36,000 पे डाल देता हूँ भाई, 36,000 ठीक है। तो अभी तीनों गाड़ी भाई सेलिंग के लिए लग चुकी हैं एंड देखते हैं कि कितनी देर में कस्टमर इनका मिलता है। बिकॉज देखो ये तो ये मैंने भाई RC जो होता है ना इस गेम का, ये RC इधर से परचेज करा था, ये वाला कैश में और ये वाला भी कैश में, अपना पैसे कम पड़ गए थे बट ये वाली गाड़ी खरीदनी थी। तो आज तो भाई ड्रैग रेस भी ओपन नहीं है एंड और कुछ भी नहीं है, सो अभी अपना कुछ नहीं कर सकते, अपने कार्ड के आते हैं। एक काम करते हैं अपनी गाड़ी से जाते हैं सुपर स्पीड से एंड एक नए रूट का चक्कर काट के आते हैं, ठीक है। देखते हैं अब तक कस्टमर आएगा कि नहीं, अभी नए रूट के लिए निकल जाता हूँ। जी है भाई इस गाड़ी की स्पीड ब्रेकिंग। अरे भाई कस्टमर भी आ गया यार, तो ये नहीं ये तो नॉर्मल नहीं, इतने कुछ खास नहीं लग रही, यही नॉर्मल ही है। ये तो अपने पास अभी सेलिंग पे है, ये नहीं चाहिए जी काफ़ी मिली है, ये भी काफ़ी छोटी है, ये भी नॉर्मली गाड़ी है यार इसकी चाहिए परचेज करना। चलो फिलहाल अभी उसको सेलिंग पे लगाया था ना, उसी को देख के आते हैं। कैमरा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से वापस निकल जाओ जल्दी से भाई, भगाते हैं इस गाड़ी को बिना किसी देर के, पहुँचते हैं अपने एरिया पर। पहुँच चुके हैं भाई अपने एरिया पर, यहाँ पर अपने पास में था। बाकी कस्टमर कुछ ज़्यादा ही आए हुए हैं क्या? नहीं भाई दो कस्टमर आए हैं। ये कौन सी के लिए आए हैं? ये लॉर्ड वाले के लिए आए हैं भाई, देखते हैं कितने क्या 36 अपने को कितना का मिला 33। हाँ ठीक है ले जाओ भाई, या वेट कर रहा हूँ एक सेकेंड, मैं उस वाले को भी देख ले रहा हूँ तक पिंकी, और देख लेते हैं भाई ये कितना दे रहे हैं अंकल, इन्हीं को सेल कर देंगे 550 पर दिए तो। नहीं भाई आप अंकल और कम दे रहे हो, आप इस वाली गाड़ी कर देते हैं भाई सोल्ड आउट एंड ये लेटर बाद में कर देंगे। और ये बंदा, अरे रात हो गई यार, ये बंदा ही चला गया, कोई बात नहीं अभी फिलहाल गाड़ी वाड़ी सब यहीं छोड़ दो, ऑफिस से शॉप ऑफिस का गेट लॉक कर दो, गेट बंद एंड गाड़ी ये वाली भी यहीं रहने दो अपने भाग की। अरे भाई दाना यार मार दे,
अपने यहाँ से निकलते हैं अपने कैरावैन में। कांगे अपना कैरावैन ये रहा सामने। जंप 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 रेड एक्स। इतनी बढ़िया है यार, सो जाओ करा। अरे भाई पहुँचते हैं अपने ऑफिस पर एंड ऑफिस को करते हैं फर्स्टली तो ओपन। भाई यार चले जाए यार यहाँ से, क्यों मेरी शकल पे बैठा पड़ा है। हायर कैसे करूँगा, जाए यहाँ से यार, हद कर रखी है, बंदा जा ही नहीं रहा। ठीक है अपना HMS कस्टम जो कि लॉस एंड टॉस कस्टम वाले का देख कर रखा गया है। सफाई हो गई है, गाड़ी सोल्ड आउट पर है। आज कार मार्केट ओपन है, कार मार्केट घूम के आया अब तक। अब क्या पता भाई कुछ अच्छी सी गाड़ी मिल जाए 26,149 डॉलर्स में। ये वाले ना ड्रिफ्ट वाले ब्रेक जब दम ड्रिफ्ट जब यूज करेंगे ये ड्रिफ्ट करेंगे। ओ भाई गाड़ी कुछ महंगी महंगी है यार, एक सेकेंड भाई सच में कुछ गाड़ी महंगी आई है। और देख रहे हो डॉज चार्जर चैलेंजर। हाँ भाई 76,000 भाई आरती कम पड़ रहा है भाई यार, आरती कम पड़ रहा है। एक आरती मिल दो आरती दे दो ओके भाई हो गया 5,000। फोर्ड है जो कि अपने काम की नहीं है, लॉर्ड निकल गया इस पर 60,000 की नहीं चाहिए वैसे भी। मस्टैंग मस्टैंग शेल मस्टैंग लॉर्ड शेल मस्टैंग भाई साहब 69,000 की क्या यार भाई। अभी 5,000 से भाई एक ऐड देखेगा एक आठ मिला है। ओके फिर भाई लोग अपने इस गाड़ी को 5,000 से परचेज कर रखा है एंड ये मुझे भाई काफ़ी बढ़िया लगा इस गेम में। अभी आरती जो है मिल जा रहा है मुझे आर फिलहाल आरती की बजाय अपने पास गाड़ी है अभी एंड ये गेम को मुझे आरती का बहुत बढ़िया लगा। भाई कार में के हालात क्या हैं, हालात भी दिख रहे अभी तो कोई बात नहीं, इसका भाई ये बंद कर दो बढ़ाएँ आगे। भाई सब पहले गियर में अच्छी बात है, साउंड भी कुछ है भाई। ओ भाई अभी यहाँ पर भी आएंगे परेशान नौ बजे रहा कस्टमर देख लेगा मस्त। ओके ही है एवरी डॉज चैलेंजर। ओके सो इस वाली गाड़ी के लिए भाई बंदा आया है जिसका नाम है टोयोटा A486। सो अपना 36 का डाल रखा है इसको, 29 ही दे रहा है कोई बात नहीं। सेकंड वाला इसके लिए आया है वैसे तो। ये कितना है 46 रहने दो यार, दोनों प्राइस लो दे रहे थे भाई। तो क्या अपना देखो जो अच्छी गाड़ी महंगी थी तो इसका अपनों ने भी देखा था ना आरसी महंगा पड़ा रहा है। आरसी अपना एक आरसी बहुत महंगा है यार। हाँ भाई कौन है इससे लड़ाएंगे, थोड़ी टक्कर का भी है बंदा। ड्रैग रेस देखो भाई किससे हो रही है यार, इसकी होंडा भाई और हमारी डॉज चैलेंजर नहीं मर्सिडीज की कूपे है भाई। बैट बैट कितनी है इसकी, बीट 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 कितनी बैट है भाई पता ही नहीं। अपना स्टार्ट हो रहा है भाई ड्रैग रेस। देखो यार मेरे को ना मैनुअली चलाना नहीं आती, मैं थोड़ी सी ना आगे करनी है जहाँ तक मुझे पता है। वॉइस फुल सुनो भाई मजे करो। हाँ भाई मूव टू रेस लाइन ओके ये डालो ये निकालो। अरे यार ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैं पहले ही यार से यार वेट करना पड़ेगा क्या पता कब तक आए। क्या यार अरे है तो ये लोग हैं इनसे कर ले रहे हैं अपनी। अरे लो भाई यार आई लॉस्ट माय टू चैलेंजर इन ड्रैग रेस यार।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।